सबसे पहले आप अपने लाइफ के बारे में बताएं, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से? जी, मेरी पैदाइश अबू धाबी में हुई, वहीं पर स्कूलिंग भी हुई मेरी, और उसके बाद स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद स्कूल के दौरान मैं जब आवाज़ तो नहीं आ रही ना उसको आप बोल दीजिए ओके सॉरी जी मेरी पैदाइश अबू धाबी में हुई, मेरी परवरिश भी वहीं पर हुई, स्कूलिंग काफ़ी हद तक वहाँ पर हुई। फिर मुझे याद है 2003 में जब मैं छुट्टियां मनाने बॉम्बे आई थी, तब पहली बार मुझे आशुतोष गोवारिकर के असिस्टेंट ने स्पॉट किया था हिल रोड पे, और उन्होंने मुझे बोला स्वदेश के लिए टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ख़ानदान में कोई भी नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से। थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन तब ये कॉन्फिडेंस था कि आशुतोष गोवारिकर हैं, बहुत ही क्लीन फिल्में बनाते हैं, फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनाते हैं, एंड ऑस्कर नॉमिनी डायरेक्टर हैं। तो ऑडिशन दे दिया, शॉर्टलिस्ट भी हुई, 4 महीने होल्ड पे थी, लेकिन फिर आशीष सर ने बोला कि तुम बहुत छोटी लगती हो शाहरुख खान के ऑपोजिट। तब शायद कहीं कीड़ा बैठ गया था कि चलो एक्टिंग कर सकते हैं, अगर आशुतोष गोवारिकर ने कुछ देखा है तो कुछ होगा। लेकिन पढ़ाई ख़त्म करनी थी, तो स्कूलिंग ख़त्म की, कॉलेज ख़त्म किया, एंड आई थिंक डेस्टिनी में था, एड्स काफ़ी सारे किए। फिर 2008 से 2010 तक तब था शौक फिल्में करने का, तो फिल्में की। फिर आशीष सर की खेले हम जी जान से भी की मैंने, जिसके लिए आई थिंक शायद पूरे कास्ट में से मैं ही इकलौती एक थी जिसका नॉमिनेशन हुआ था बेस्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस के लिए। और फिर 2011 से मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी, लेकिन आई थिंक वही कहते हैं डेस्टिनी है। फिर से घर बैठे बैठे फुकरे मिल गई, बजाते रहो मिल गई, अंकुर अरोरा मर्डर केस मिल गई, उसके बाद मैंने 5 साउथ फिल्म्स की हैं। पर अब ये है कि फिल्में करती हूँ, लेकिन फिल्मों के पीछे भागती नहीं हूँ, और फिल्मों को अपनी पूरी दुनिया नहीं बना लिया मैंने, मैं बाकी और भी काफ़ी कुछ काम करती हूँ। बेसिकली आप हैं कहाँ से? मैं हूँ जी, मेरी फैमिली यूपी की है, हम लोग यूपी से हैं, मेरा पूरा ख़ानदान अलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, आज़मगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, उस इलाके से, ईस्टर्न यूपी के हम लोग। मैं अनफॉर्चुनेटली कभी रही नहीं वहाँ पर, सिर्फ समर वेकेशंस में आती थी, और अब तो यहाँ बॉम्बे में, लेकिन और अभी फ़िलहाल तो ख़ानदान आधा लंदन में बसा है और आधा यहाँ पर है। ईस्टर्न यूपी का एक कल्चर होता है, चाहे आप कितना भी आगे चले जाएं, जी, तो कि मेरी बच्ची हीरोइन नहीं बनेगी, जी, नहीं बनेगी, थोड़ा दबाव होता है, प्रेशर जी होता है। तो कभी आपको इस तरह का फेस करने का नहीं? देखिए, मेरी फैमिली ट्रेडिशनल बहुत है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स नहीं है, और आई थिंक मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे अपनी जागीर नहीं समझते हैं। उनका हमेशा मानना है कि बच्चे को उड़ान भरने दो, जितना उड़ सके अच्छी बात है, गिरेगा तो हम हैं पकड़ने के लिए। तो मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि देखो, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का नज़रिया होता है कि फिल्म इंडस्ट्री बड़ी ख़राब चीज़ है, यहाँ कास्टिंग काउच होता है, लोगों का एडवांटेज लिया जाता है। उन्होंने कहा ये तुम तय करोगे कि तुम्हारा कोई कितना एडवांटेज ले सकता है, एंड आई थिंक ये मैंने हमेशा अपने दिमाग में बात रखी है। जैसा कि कहा मैंने, मैं पिक्चरों के पीछे नहीं भागती हूँ, आ गया तो ठीक है, और कहते ना मन का मिला तो अच्छा, जो ना मिला तो और भी अच्छा, तो आई एम ऑलवेज इन्वाइट बाय दैट। और आई थिंक हर इंडस्ट्री में होता है, डर होता है कि यू नो कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का थोड़ा ज़्यादा सेंसेशनलाइज कर देते हैं, तो लकीली आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा दबाव नहीं डाला मुझ पर। अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण जी, आपको काम करने कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, अभिषेक बहुत ही दिल के अच्छे इंसान हैं, हमारे साथ ऐश्वर्या भी आती थी, वो भी बहुत अच्छी हैं, दीपिका एक्सट्रीमली पंक्चुअल, आई थिंक आज जो उनको जितनी भी सक्सेस मिली है लाइफ में, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली उनका डेडिकेशन और उनकी इतनी पंक्चुअल और प्रोफेशनल है वो, एंड आई थिंक शी कंप्लीटली डिजर्व्स इट। इतनी जल्दी आपको स्टारडस्ट पे नॉमिनेट कर लिया गया, कैसा लगा आपको समझ नॉमिनेशन? बहुत अच्छा लगा। देखिए, जब आपका काम सराहाया जाता है, जैसे आपको नॉर्मल ऑफिस में आपको प्रमोशन मिलता है तो अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे जहन हमेशा ये रहा है, मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे बोलते रहे कि जब भी सक्सेस मिले उसको दिमाग में मत जाने दो, और हमेशा याद रखो कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, तो अगर तुम ऊँच देखोगी तो नीच भी देखोगी, एंड इसलिए मैं बहुत बहुत देर तक अटैच नहीं रहती किसी भी सक्सेस से या फेलियर से। डार्क ब्यूटीफुल कैंपेन के साथ जी, क्या रीज़न रहा उस कैंपेन के साथ जुड़ने का? फुकरे के बाद मुझे एक बहुत बड़ी FMCG कंपनी ने ऑफर किया था एक फेयरनेस प्रोडक्ट, और मैं जब मॉडलिंग के दिनों में मैंने एक विवेल का एक सोप का ऐड किया था, विच वाज यंग ग्लो, फेयरनेस सोप नहीं था लेकिन यंग ग्लो था। तो उस दौरान भी जब वो ऐड रिलीज़ हुआ, मुझे बहुत फील हुआ कि वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जो पोस्ट प्रोडक्ट दिखाते हैं उसमें उन्होंने मुझे गोरा बना दिया था, तो उस पर तो मेरा कोई कंट्रोल था नहीं, तो मैं कुछ कर नहीं पाई। लेकिन जब फुकरे के बाद मुझे एक फेयरनेस क्रीम का ऑफर आया था, तब मेरे जहन में बात आई कि देखिए, पैसा लाइफ में आता जाता रहेगा, बट कभी कभी आपको अपने प्रिंसिपल्स के प्रति थोड़ा ऑनेस्ट रहना चाहिए। एंड मैं जब छोटी थी, जब पैदा हुई थी, मुझे लोग कहते थे अरे भाई बहन तो गोरे हैं, तुम तो डार्क हो,
लड़की हो गई, डाक है, शादी कैसे होगी. तो बचपन की वो मुझे पेनफुल इंसिडेंट्स याद हैं. सो आई वॉज लाइक वाई शुड आई एंडोर्स फेयरनेस प्रोडक्ट जब मैं बिलीव नहीं करती. मैं खुद फेयरनेस क्रीम्स आज तक कभी ज़िंदगी में मैंने यूज़ नहीं की. तो आई वॉज लाइक आई विल नेवर डू इट. एंड मैं किसी को जब मैं किसी चीज़ में बिलीव नहीं करती तो मैं उसे एंडोर्स क्यों करूँ. एंड दूसरी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान में डार्क स्किन को लेके बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस है कि डार्क वॉन्टेड फेयर ब्राइड. मेरे बहुत सारे पढ़े लिखे दोस्तों को गोरी लड़कियाँ चाहिए, भले ही नाक नक्श हो या ना हो, भले ही गुण हो या ना हो, गोरी लड़की चाहिए. वो आपके सर पे आके डंडा बजा दे लेकिन गोरी लड़की चाहिए. तो आई थॉट कहीं ना कहीं इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब आपके पास थोड़ा सा भगवान आपको क्रेडिबिलिटी देता है कि आप लोगों का माइंड इन्फ्लुएंस कर सकें, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू डू द राइट थिंग. आप इसके अलावा एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए भी आपने काफ़ी किया, तो इसके बारे में बताएं कैसे लगा कि आपको वुमेन रिलेटेड इश्यूज के साथ. देखिए एलजीबीटी कम्युनिटी का क्या है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हम जब भी गे दिखाते हैं तो हम उनका मजाक उड़ा देते हैं लोगों को. मैं खुद बता रही हूँ, मुझे खुद को लगता था कि ये एबनॉर्मल है, कि ये कुछ फैशनेबल है इसलिए कर रहे हैं लोग. मुझे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ी. मेरे काफ़ी सारे 3-4 फ्रेंड्स, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे बताया कि वो गे हैं या लेस्बियंस हैं, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो चूज़ नहीं करते, वो पैदा ही वैसे होते हैं, उनके वैसे हैं वो. आज मैं अगर लड़की हूँ, लड़की जैसा फील करती हूँ तो मैं हूँ वैसे, मैं वैसे ही पैदा हुई थी. तो आपको वो एक्सेप्ट करना है, सिंपल एज दैट. और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लकीली हम इन अ वे लॉट ऑफ फ्रीडम भी देते हैं. बिहाइंड द सीन हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स गेज हैं, लेस्बियंस हैं. तो आई फील कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके पास थोड़ा सा भी पावर है, किसी थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं आप, आपको करना चाहिए. एंड आई थिंक जो मैं पर्सनल लाइफ में सपोर्ट करती हूँ, पब्लिकली सपोर्ट करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है. कांस में अक्सर आप रेड कार्पेट नजर आती हैं, तो कांस का ऐश्वर्या राय का कुछ इम्पैक्ट आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देखिए ऐश्वर्या राय, सोनम कपूर, कटरीना कैफ, ये लोग बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस हैं. आई रियली रिस्पेक्ट देम अ लॉट. एंड वो लॉरियल के एम्बेसडर्स हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, तो वो रेड कार्पेट पर वॉक करते हैं. मैं लकी इसलिए रही क्योंकि 2010 में मेरी एक इंग्लिश फिल्म थी जो इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई, इट वॉज कॉल्ड द जीनियस ऑफ ब्यूटी. वो कांस फिल्म फेस्टिवल में फीचर हुई थी, तो तब मैंने रेड कार्पेट वॉक किया था पहली बार. फिर 2012 में मैंने एक फिल्म को प्रोड्यूस की है अनुराग कश्यप के साथ और गुनीत मंगा के साथ, जिसका नाम था पेडलर्स. तो उसकी को प्रोड्यूसर की हैसियत से मैं गई थी. एंड फिर 2013 में तो क्योंकि लोग जानते थे, उन्होंने कहा आ जाइए, तो एक और रेड कार्पेट वॉक कर लिया. और लास्ट ईयर मैंने प्रोड्यूसर्स वर्कशॉप किया था वहाँ पर, तो प्रोड्यूसर के तौर से वर्कशॉप करने गई थी मैं उस टाइम पे. लेकिन यहाँ पर सबने कहा भाई अब आप हीरोइन भी बन गई हैं तो आपको रेड कार्पेट तो वॉक करना ही पड़ेगा. तो तब भी फिर मैंने वहाँ भी मैंने श्रुति संचेती की मेरी फ्रेंड है, उनके कपड़े पहने थे रेड कार्पेट पे. आप नॉर्थ इंडिया में एजुकेशन लेवल को काफ़ी अच्छा माना जाता है, बढ़ावा है, तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन लेवल कितना ज़रूरी है इस देश के लिए और कितना होना चाहिए? हाँ हाँ प्लीज़, लाइक ये लग रहा है पसीना पसीना. अच्छा एक क्वेश्चन मुझे पूछना है करण जौहर के बारे में, पूछूँ आपको? नहीं, उसमें ये होगा कि वो अपनी सेक्स अपने मदर के सामने डिस्क्राइब कर की है AI. मैंने देखा नहीं था AI भी आपने नहीं? मैंने देखा ही नहीं. देखिए उनको पूरी फ्रीडम है उनको जो करना है AI. ओके, उन्होंने बता दिया वो क्या करें. रोस्ट है, रोस्ट पर मतलब ही होता है कि वो लोग रोस्ट है इंडिया में अभी. हाँ, तो मुझे पता है वो, तो मैंने देखा. दैट आई एम नॉट द ऑडियंस, मैंने देखा ही नहीं. मेरा आप सीधा सवाल है कि अभी अभी एक AI कंट्रोवर्सी हुई जी, आपने सुना होगा. जी जी, अगर नहीं सुना तो उसमें करण जौहर ने अपनी सेक्स को अपनी मदर के सामने डिफाइन करने की कोशिश की कि वो गे, अब उसको गे एज अ प्रेडिक्ट है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सबसे पहली बात तो मैंने ये AIB का जो कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो है, जो इवेंट हुआ था, मैंने नहीं देखा है. बट लेट मी टेल यू कि मैं AIB के कुछ वीडियोस देख चुकी हूँ, मुझे बहुत हिलेरियस लगे थे. मैंने इसका ट्रेलर देखा था, मुझे लगा कि शायद आई माइट नॉट एन्जॉय इट, इसलिए मैंने नहीं देखा. तो इसलिए मेरे लिए कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा करण जौहर की कमेंट के बारे में. मैंने आपको अक्सर देखा है कि आप बहुत ही ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हैं वेस्टर्न में, आपका क्यों ऐसा? ऐसा कुछ नहीं. देखिए आई लाइक वेस्टर्न क्लोथ्स, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस ओकेजन पर आप कहाँ जा रहे हैं उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट कपड़े पहने. मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं एक एक्ट्रेस की तरह कपड़े नहीं पहनती हूँ, तो मेरा बस इतना कहना है कि जो आजकल जो नई लड़कियाँ आ रही हैं इंडस्ट्री में, बहुत यंग लड़कियाँ बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, तो आई थिंक सबका पहनावा एक तरह होता है, सबका मेकअप एक तरह होता है,
तो आई थिंक मैं उस असेंबली लाइन मॉडल में नहीं फिट होना चाहती, तो आई जस्ट वॉन्ट टू वेयर कम्फर्टेबल क्लोथ्स, दैट्स इट।